करने की बात नहीं है, सारे खुश हैं। भाई हमें हमेशा खुश कर देते हैं और यही तलकीन करते हैं कि हम क्या करें। वाह क्यों, हाँ जी डॉक्टर साहब क्यों खुश रहिए? क्योंकि हम इस बात के शुक्रगुजार, तंदुरुस्त सलामती, पूरा हफ्ता खुदा ने हमारी निगाहबानी की, हादसात खतरात बीमारियों से बचा के रखा। कल 11 बजे मुझे बड़ा बीपी हाई हो गया, गाड़ी में जा रहे थे, एसी चल रहा है, मैं पसीनों पसीनी हो रहा, मैं समझ गया क्या हो रहा है। ये खुदा का काम है। घर आए, आराम किया, 3 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट किया, एक गोली खाई, ऑल इज फाइन। दुआ की खुदा से कल चल जाना, आई डोंट नो दिस टुमारो, मुझे शाम को शुजात को फोन ना करना पड़े। लेकिन उस खुदा के क्या है, हम शुक्रगुजार हैं जो हमें ये जिंदगी बख्शता है, जो हमें ये कलाम बख्शता है, जो हमें ये खादम बख्शता है, जो हमें ये एल्डर बख्शता है। और खुदा चाहता है कि हम क्या करें। एक मैंने भेजा हुआ था काफी लोगों को, है आपके पास इंसान को अपने है मेरा क्या उपयोग है, इसमें लिखा हुआ है किश्ती बाहर से नहीं डूबती, अंदर से डूबती है। हर शख्स को अपने अंदर की तब्दीली करनी है और जब तक वो नहीं है, नो वे। जब तक आपके अंदर ही तब्दीली नहीं है, गीत गा रहे ना, मेरे से बदला क्या हुआ, दिल बाहर है अंदर है, अपने ही अंदर की सोच को हमेशा साफ रखना। क्या करना है, कश्ती बाहर के पानी से नहीं डूबती, अंदर के पानी से डूबती। डूबी है ना, अंदर वाला ही डूबे है ना, जिंदा मसाला है हमारे पास। हमेशा अंदर से ही कश्ती डूबती है, अंदर से ही कलीसिया बर्बाद होती है, अंदर से ही घराने बर्बाद होते हैं, अंदर से ही तबाही और बर्बादी हो जी। पाकिस्तान जी, इंडिया ने साढ़े ना फलां कर दिया, फलाने ने ये कर, नहीं किसी ने कुछ नहीं किया, हमने उसको अंदर से ही डुबो दिया। दूसरों पर इल्जाम मत लगाया कर। यहां कस्में खाने वाले भाग जाते हैं। प्लीज अपने अंदर जो सोच है उसे क्या करें, तब्दील कर दें। आए मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की अंजील, उसका 3 बाब। जी पहली आयत, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। उन दिनों में, इन दोज डेज, कौन से ये दिन थे? आज ना एक और सवाल है, बताएं जी कौन से ये दिन थे? जब यीशु जी नहीं कड़ी थी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, उन दिनों में कौन आया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। और ये वो दौर था, वो वक्त था जब 35 पिलातुस की हुकूमत थी, हेरोदेस बनी इसराइल का हाकम समझा जाता था और कौम बनी इसराइल अपनी बादशाही खो चुकी थी। देखिए इस कौम का हाल क्या हुआ, मैंने कहा था ना ये बर्बाद हुई कौम। क्यों बर्बाद हुई बोले, भूल गए जी, नाफरमानी, नाफरमानी। और इन्हीं आयाम में देखें कि कौन आता है, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। और याद रखें इसकी पैदाइश कैसे हुई, ये जानने की बजाय वैसे नहीं आ गया। जकरिया काहिन था, हैकल में क्या करता था, बखूब जलाता था, ये काम करता था।
और एक दिन उसने क्या देखा कि वो बखूर जलाने जब गया तो उस बखूर के दाहिने हाथ कौन खड़ा था? फरिश्ता खड़ा देखा उसने। देखे खुदा के प्लान जरा सोचा करें, मेरे लिए आपके लिए अपने आप को सोचा कर, मेरे लिए खुदा का कोई इतना प्लान है? कोई खुदा ने सोच रखा है? क्या मैं उस प्लान के बारे में सोचता हूं? वो क्या चाहता है मुझसे? जकरिया उस वक्त बहुत उम्र रसीदा था और अलिशबा क्या थी? बांझ थी। उसने कहा तेरी दुआ सुन ली है, अलिशबा के यहां क्या होगा? बेटा होगा। देखिए जरा पहला वाक्य है, इब्राहिम को भी कहा गया था, क्या कहा गया था? वो भी बहुत ही उम्र रसीदा थे और फरिश्तों ने आमने सामने खड़े होके पैगाम दिया था। जकरिया को भी आमने सामने खड़े होके पैगाम दिया था। और एक और शख्सियत है, वो कौन है? मकदसा मरियम को भी आमने सामने खड़े होके सलाम आए मरियम। और बाइबल में ये दो नाम हैं जो खुदा की तरफ से दिए गए थे, कौन कौन सा है? यूहन्ना और यसु, और तो उसका नाम यसु रखना और इसका नाम क्या रखना? यूहन्ना। देखिए खुदा कैसे चुनता है, कहां से चुनता है, कब से उसका प्लान होता है, क्योंकि उसने देखा जकरिया एक रास्तबाज सीधा आदमी है, खुदा का खादिम है, खुदा के घर में खिदमत करता है। और जब वो, आपको बता देना चाहता हूं, बखूर जलाने जाता था तो दो कलीसिया बाहर खड़ी होती थी, जमा होती थी, दुआ करती थी और इस बात के इंतजार में रहती थी कि आज अंदर से हमारे लिए क्या प्रोग्राम आएगा। और जब जकरिया को यह खबर मिली, उसने घर में जाके बताया तो कितनी खुशी होगी उस घर में। नाम भी बता दिया, इसका क्या करना है? नाम यूहन्ना रखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसी तरह मुकद्दसा मरियम को जब फरिश्ता आया तो उसे भी यही पैगाम दिया गया कि तेरे यहां क्या होगा? हैरान होगी, परेशान होगी, सब कहानी को हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन नाम किसने दिया? खुदा ने चुना। पहली मनादी अब शुरू होने लगी है, पहली मनादी अब इससे बेशतर पुराने आयतनामे में होती रही। सुने आप, होने लोग उन्हीं नबियों को कत्ल किया, इन्होंने मारा, फेंका, जला दिया, आरे में चीर दिया, तेल के कड़ाहों में डाला गया, गारों में फेंका गया। सुनना नहीं, सुनना हम नहीं मानते ये बात। खुदा के नबी थे, पैगंबर थे, खुदा के चुने हुए वो लोग थे। मिस्र से उनको ही लेके आया था ना खुदा, तो गुलामी से छुड़ाया था 4,000 साल के बाद। समुंदर पार ही हुआ तो नाफरमान हो गए थे, कितना टाइम लगा होगा यार, समुंदर चो कर लिया तुम्हारा, तुहाडे अखां दे सामने मौजजा हुआ है, घबरा गए थे लोग जब समुद्र के किनारे, घबरा गए थे, उन्होंने कहा गए होना सी वापस, या हमें मार दिया जाएगा या वो वापस ले जाएंगे, यही सोच रहे थे। ऐ मूसा सानू मरवान ले जांदे, बोलना शुरू कर दिया, डरली कौम सी ना साडे वांगू, उसी दिन ही बात हो गई। क्या हुआ? खुदा ने मूसा ने क्या कहा था? चुप बोला, खुदा की कुदरत के काम देखो। पहली अजीम कुदरत और मौजजा हम सोच भी नहीं सकते, समुंदर का दो टुकड़े हो जाना है कोई काम? कभी आप समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं? हाँ जी, कौन कौन खड़ा हुआ है? सोचिए भी जो देगा। मैं अक्सर जब दिमाग में था तो मैं शाम के टाइम ना मेरी समुंदर पे जाके मैं जाया करता था, गाड़ी ले जानी,
कोई सोरे स्नैक्स वगैरह दे जाने मैं समुद्र में नहीं गया भाई, मैं डरना हुआ, मैं शिप में नहीं बैठा। बड़ी लोगों ने वहां मिनते की और किश्ती जब मैं डूब जाएगी और ना मैंने तैरना सीखा, मैं पानी से शुरू से डरता रहा। और मैं वहां पर जब बैठता था शाम के टाइम तो मैं ये समुद्र की तरफ निगाह जब करता था तो उसकी दूसरी हाथ को मुझे नजर ही नहीं आती थी, ऐसा ही था। फिर कैसे समुद्र दो टुकड़े हो गया था, मैं ये बात पर गौर करता था। जिसने समुद्र बनाया है वो उसके टुकड़े भी कर सकता है, जिसने समुद्र बनाया है वो उसके दो टुकड़े भी कर सकता है। एक कुवत उसमें है सिर्फ उठ मौसम और अपना आशा हार मान के। कौम जब निकली थी तो ये थोड़ी देर बाद आए थे, लेकिन उस कौम ने, उसी कौम ने अंबिया को कत्ल किया, उसी कौम ने खुदा के कलाम को ठुकरा दिया, सुना ही नहीं। फरिश्तों ने आके बगाम दिया, अंबिया ने आके बगाम दिया। अब मनादी शुरू होने लग गया, खुदा ने सोचा ये तो गए, लेकिन खुदा अपनी कौम से प्यार करता है, वो नहीं चाहता था कि ये हलाक हो जाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्या चाहता, बल्कि क्या वो बनी इसराइल हो, क्या वो हम हो, क्या कोई और कौम हो, खुदा बनी नौ इंसान सबके लिए एक है। हिंदू हो, सिख हो, कोई भी कौम है, हमारे मुस्लिम भाई हो, खुदा सबका एक ही खुदा है। खुदा ने ही जिंदगी का सांस दिया है, खुदा ही रोज हर चीज मुहैया करता है, और खुदा जिंदा खुदा हमारा जो आसमान पर मौजूद है। क्या मनादी शुरू होती है, हाँ जी बड़ी बड़े आगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये और यहूदिया के बियाबान में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और ये इलाका बनी है सऊदी अरेबिया में है। मैं आपको नाम बता सकता हूँ, इनके नाम भी हैं जगहों के। जी मुनादी करने लगा, बियाबान मोला का था, कि तौबा करो क्योंकि आसमान की आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये याद रखे, जरा नोट करें इस बात को, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही है। यहाँ क्या लिखा है, नजदीक आ गई है, नहीं दी आसमान की बादशाही आ गई है। वो जानता था कैसे आ गई थी, यूहन्ना का और मसीह खुदा का कितना फर्क था, जी 6 माह, राइट। और 6 माह की उम्र में या जब वो अपनी माँ के पेट में था, ही ब्लेस्ड बाय द होली स्पिरिट, राइट। कितनी बड़ी बात है, खुदा ने कहां से चुना उसे, मां के पेट में से ही ब्लेस कर दिया। लिखा कि जब वो मरियम उसके पास गई, अपने रिश्तेदार उसके कजन थी मेरे ख्याल वो, तो क्या हुआ उसके, उसने सलाम किया उसे, मेरे खुदा की मां, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये खुदा के रूह के काम, खुदा के रूह ने उसे हदायत दी और गाइड किया, और उसने जब उसे देखा, जानती थी कौन है, तो क्या कहा, मेरे इन चीजों पर थोड़ा गौर किया करें। अब ज्यादा तवज्जो दें, मैं खादमों से, एल्डरों से, हर एक से कहते हैं कि अब न्यू टेस्टमेंट मिल जाए, द टाइम इज कमिंग शॉर्ट। यूहन्ना कितने 2000 साल पहले की बात है ना, उस वक्त उसने ललकारा कि खुदावन की बादशाही क्या है, आ गई है। और वो बपतिस्मा लोगों को दे रहा है और लोग आना शुरू हो गए, लेकिन वो क्या था, ये लोग जाना शुरू हो गए। अपने फरीसों को उसने कहा क्या, और थानू किने किया है, तुम्हें ये कैसे सोच फिर आ गई है,
और तुम वापस लौट रहे हो और वापसने के लिए आना शुरू हो गए हो। और फिर क्या हुआ जी? ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत, यशायाह नबी की मार्फत इसका जिक्र इसने तस्दीक किया यशायाह ने यूहन्ना के आने से पहले। 40 बाब उसकी 10 आयत। आगे चले आप, मैं हवाला सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और इसकी खुराक टिड्डिया और जंगली शहद था। ये बियाबान में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए पहुंच गया दरिया यर्दन के किनारे। तौबा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि आसमान की बादशाही काबिल है। यूहन्ना यही पैगाम देता रहा। ये पहली मनादी शुरू हुई। दूसरी मनादी पिछले बढ़ते हैं, मत्ती 3 बाब उसका उसकी 6 आयत में है। इसका जिक्र भी यशायाह नबी ने पहले कर दिया था। यशायाह 40:3-4 में इसका जिक्र, उसका भी जिक्र है। हाँ जी, 3 बाब आगे बढ़े। और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यर्दन में उससे बपतिस्मा लिया। जी, उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के गिर्द नवाह के सब लोग निकल कर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यर्दन में। और इस इलाकों से 3 शहरों का नाम दिया गया है। कौन कौन से शहर हैं? यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन, यर्दन के इलाकों से लोग निकल कर आ रहे हैं। चलो चलिए देखिए ये कैसा शख्स है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता। बड़ा जी भी है शब्द। और लोग गए हुए, तुम्हें किसने बता दिया है कि आने वाला गजब, आने वाले गजब से भागो, आने वाले गजब से भागो, किसने बताया? आज भी वही लोग, आज भी वही दुनिया है। तुम्हें किसने बताया कि आने वाले गजब से भागो? किसने बताया? खुदा के कलाम ने। और जैसे ही वो वहां पर था तो कौन, अब दूसरी मनादी शुरू होने लगी। कौन आ गए? 6 महीने का फर्क था। खुदा यीशु मसीह 30 साल की उम्र में, और वो समझे कि 6 महीने पहले आ वहां पर बने। मसीह खुदावंद की मनादी शुरू होने लगी। अब क्या लिखा है वहां पर? उस वक्त यीशु गलील से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लिया। 4:17 और देखो आसमान से ये आवाज आई। अब दूसरी मनादी शुरू होने वाली है, और वो खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद वो लौटे, और क्या उन्होंने कहा 4:17 में? उस वक्त से यीशु ने जब ने मनादी शुरू कर की तो क्या कहा? मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, तौबा करो क्योंकि बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना क्या कह रहा था? तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने कहा कि नजदीक आ गई है। दोनों का पैगाम एक ही था। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और बपतिस्मा लेके निकले हो, अपनी मनादी का आगाज किया उन्होंने, और वो पब्लिक या लोगों में जब खुले मिले तो बहुत सारे लोगों को लिखा है कि उन्होंने शिफा दी, बीमार आ गए, कोढ़ियों को, लंगड़ों को, अंधों को, जो रूह बदरूह गिरफ्तार लोग थे, बहुत सारे लोग जमा होना शुरू हो गए। चलो उसे शिफा मिल दी। उस शख्स को हमने देखा है कि वो बीमारों को अच्छा करता है, वो कहता है तो वो चंगे भले हो जाते हैं, वो छूता है तो वो चंगे भले हो जाते हैं। क्या वो पहले ऐसे आया था?
भागे लोग। आया ना हुन। और ज्यादा से ज्यादा जब 5,000 को खुदा यीशु मसीह ने खाना खनाया और भी लोग खुश हो गए, नवी मौजा लग गया, इसलिए इनको खाना नहीं पकाना पड़ेगा। 5,000 को खाना पकाया सब तो बड़ी मोहम्मद साहब ने नारा लगाया है ना, रोटी कपड़ा और तक नहीं लगा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने शागिर्दों से क्या कहा था, जाओ जाके इनके लिए खाना लेके आओ, इंतजाम करो भाई इतने लोग आ गए। अब शागिर्द एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, पैसे जी कितने निकले थे, 5 रोटियां 2 मछलियां 5 रोटियां 2 मछलियां लेके उन्हें उते बरकत पाके किन्ने रजाए, ये किन्ने रजाए यीशु ने उसके काम। अब लोग कायल हो गए कि सच में बादशाह आ गई है। वो समझ रहे थे कि अब ये बादशाह आ गई है और ये इस दुनिया का बादशाह होगा और ये हमें हर किस्म की तकलीफ से, मुसीबतों से, बीमारियों से, भूख से खलासी दिलाएगा, और लोग इसलिए भाग रहे थे। 12 बरस, 38 बरस, 8 बरस के लोग बीमार जो थे पाई शफा उन्होंने जी, प्रेज गॉड हालेलुया। बैतनिया से एक दफा खुदा यीशु मसीह निकले और यरूशलेम की तरफ आ रहे थे, ये इनका आखिरी ट्रिप था यरूशलेम की तरफ। चिकित्सकों को भेजा, वो फलां जगह पे एक बच्चा टीका होगा वो ले गया, लेके आए बैठाया, और वो लोग सारे वो जो खाना खाने जाते थे, वो लोग जो उन्होंने शिफा पाई थी, वो लोग जो उसके साथ रोज चलते थे रहते थे, वो सब जमा थे वहां पर। बादशाह आ गया, उनका यरूशलेम को जा रहा है, यरूशलेम को जाके तख्त पर बैठेगा, दाऊद का तख्त संभालेगा, यही उनके दिल में था। आगे पढ़ यीशु मसीह गली के बच्चे पर सवार हुए, लोगों ने अपने वो चादरें कपड़े जो भी उन्होंने सब किए सामने बिछाया और क्या कहा, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है। फिर भी इकरार किया उसका, लेकिन जहन में कुछ और था, उनका ख्याल जो था वो यही था, हमें हर उदीस से निजात दिलाएगा, हमें 35 बरस से निजात दिलाएगा, खलास, द किंग हैज कम। और स्लीप के वक्त कहां गए वो, था कोई सबसे चहेता पत्रस भी वहां नहीं था, था सबसे चहेता आज साडा पादरी भी साडे नाल कोल है, लोग नहीं देखते, वो किसी और मकसद के लिए चलते हैं। ये लोग किस लिए चल रहे थे कि बादशाह बन जाएगा, किस सारियां मुसीबत लेकिन स्लीप के वक्त कितने लोग थे, कौन कौन, और मजमों में कितने लोग थे, कलाम सुनने कितने जाते, 5,000, इससे भी ज्यादा होंगे। खुदा यीशु मसीह ने भी यही मुराद दिया, तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक है। योहन्ना ने क्या कहा, आ गई है, उसने इशारा खुदा यीशु मसीह की तरफ, और मसीह खुदा ने कहा कि क्या है, नजदीक है। 2,000 साल के पहले से यह मुनादी हो रही है और आज भी यही पैगाम है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। मत्ती 24 बार में क्या लिखा, शागिर्द निकले बाहर ठीक खुदा उनके साथ बड़े खुश, और उसे बड़े खुशी के साथ वो दिखा रहे हैं,
बड़ी बड़ी इमारतें, किंगडम टावर थे, फलाना टावर थे, फैसलिया टावर थे, ये टावर थे, वो टावर। सीख जाओ ने क्या कहा तुम्हें? उसने जवाब में उनसे कहा, जी क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो गिराया ना जाएगा। सोच लो, हम तीसरी इमारत बह उर्दू की किताब में आपने पढ़ा हुआ है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी? अभी तो बहुत है जी, न्यूयॉर्क सबसे ऊंची इमारत अमेरिका में न्यूयॉर्क में थी, यही थी भाई, कोई और इमारत ऐसी ऊंची नहीं थी। ट्विन टावर्स जब गिरे तो पता लगा पत्थर पर पत्थर बहुत है। अमेरिका ने दोबारा ट्विन टावर बनाने की कोशिश की ना चाहो, ये पेशेंट कोई आपको बता रहा हूं, उसने कहा था कि यहां पत्थर पर पत्थर बाकी। यरूशलम का क्या हाल हुआ? हैकल का क्या हाल हुआ? तितर बितर हो गए और हैकल तबाह हो गए। सोना इतना था कि वो उसकी दरारों में पिघल पिघल गया। किसने कहा था? यीशु मसीह। ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर, आज मैं आपको भी कह रहा हूं, दुबई, पाकिस्तान, यहां जहां भी जाके देखेंगे परेशान ना हो इनसे, बड़े गो बल्ले 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 टावर देखने लगे बाहर एनक गंदा हुआ तो ये शहर खजान पे एक टावर है, सबसे पहला टावर यही था साउथ का। मैं इसकी छत तक गया हूँ और वहां से जब हमने देखा, घबरा देखा नीचे गाड़ियां ऐसे जैसे चींटियां जा रही, अभी इतना ऊंचा नहीं है, अभी सबसे ज्यादा भी ऊंचे। यहां कोई पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। अभी तो वक्त बहुत बदलने जा रहा है, बहुत कुछ होने वाला है और हो रहा है। यूक्रेन की जंग का हाल देख रहे, देखा करें हलास भी क्या है, और फिर कलाम की तरफ रुझू के लिए किसने ये कहा? रशिया के प्रेसिडेंट साहब इज रेडी, तवानाई क्या है, एटमी जंग छेड़ने के लिए तैयार हो, मिसाइल गाड़ दिए हैं, टक बटन दबाना देश तो नमूद हो जाएंगे। ये मिशन गोया खुदा यीशु मसीह 2000 साल पहले करके गए हैं, बता के गए हैं। तुम्हारा दिल ना घबराए इनको देख के, परेशान मत हो इनको देख के, जगों का सुन रहे हैं परेशान ना हो, भूचाल आ रहे हैं, तबाही हो रही है, खुराक देखें पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, 1 किलो आटा लेना औखा हो गया जी, जहाँ हम मनों के हिसाब से घर में आटा लेके आते थे। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम पकड़ गिल में मनाली के अपना खिदमत के लिए भेजा गया, तो हमें कभी ना चंदम आती थी, 6 महीने के बाद चंदा पड़ी रहते थे, 6 महीने के बाद बेच दिया, आटा लेने इसी पैंदा। और हर इबादत में लोग बीबियाँ उस वक्त चंदा क्या लाती थी, आटा आदमी उस आटा ही इन्ना को हुंदा सी कि वो मुकदे नहीं सी। हुण terrible situation in Pakistan. ये है काम, मुंचा, ये है चीजें। ढूंढेंगे आपको मिलेगी नहीं, पैसे लेके जेब में जाएंगे नहीं मिलेगी। चार आने पाओ दूध मैंने अपने होश में, अच्छी होश में जाके दुकान से लाते थे, आने नहीं पत्ती मिलती थी, 2 आने का गुड़ देना, 8 आने की चाह बन जाती थी, यही था। सिस्टर डेवी आपको पता होगा नहीं, बाबा बहुत पुराना है बच्चा, मोरी वाला पैसा होता था, एक बोले ऐसे पुराने पैसे होते, मुझे मुझे भी याद है, देखे आपने अजैब घर में देखे हैं, मैंने वैसे नहीं इस्तेमाल नहीं किया किसना वो। एक बात याद रखें, उस जमाने में लोगों में मोहब्बत थी, लोगों में बरकत थी, 100-150 रुपया तनखाह में गुजारा लोग कर रहे हैं, अच्छी बचना।
सौ डेढ़ तक किलो आता नहीं मेरा खिलाफ ना। ये है खुदा का कलाम, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। इसका मतलब है कि हर चीज बिल्कुल करीब है, फना और बर्बाद हो जाएगी और देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यूहन्ना की वो सुने जरा मना दिया आगे उसने जब क्या कहा था और बहुत तीन चार बात है हाँ जी। और मैं तुमको तीन बाप में यूहन्ना क्या कहता है कि मैं तुमको क्या करता हूं पानी से बपतिस्मा देता हूं तौबा के लिए, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो क्या करेगा मैं रूह और आग से रूह और आग और से आपको यानी आज मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आया है वो उससे ज्यादा आवर है। जो मेरे बाद आया है ये दूसरी मनादी जिसने आके शुरू की है वो मुझसे क्या है जोरावर है। तीन बात जी जी आगे उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, मैं उसकी जूतियां उठाने के भी लायक नहीं हूँ। फिर और आग से बपतिस्मा रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा और छाज उसके हाथ में है और वो अपने खूब साफ करेगा, खूब पटकेगा। रूल कुदस क्या है, आग क्या है, रूल कुदस इज अ सुप्रीम पावर ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल पावर। और जिसे हम आज तशबीह भी देते हैं या इसका इस्तेमाल लेते हैं, तेल भी कहा जाता है, कुवत है, रूहानी कुवत है, दुनियावी कुवत नहीं है, आत्मिक कुवत नहीं है, रूहानी कुवत है जो खुदा हमें अता करता है और वो खुद कुवत है। आपको याद है उन कुवारियों की मसाल, यीशु को देखना चाहते थे ना, हम भी यीशु को देखना चाहते हैं, किड़ा नहीं देखना चाहते, खड़ा हो जाए हिलेरी ना, वी वांट टू सी जीसस। हम भी यीशु को देखना चाहते थे, इब्राहिम ने आमने सामने देखा, मूसा ने देखा, एलिया ने देखा, क्या वो इंसान नहीं थे, हनुक ने देखा। अजीजो खुदावन यीशु मसीह की ये पहली आमद जो थी, इसे पहली क़यामत भी कहा जाता है, ये बादशाही यहां पर कायम होने के लिए नहीं थी, आपको आने वाली बादशाही की अगाई देने के लिए आया था। रैप्चर ऑफ द चर्च ये है, क्या होने वाला है उसी खुदावन सब मसलूब हुए, गुनाह की हालत में मसलूब हुए, ऐसा ही था। किसके गुनाह, हमारे गुनाहों की, वो जुर्म उन पर आयद हो गया तब वो मसलूब हुए थे। और जब वो सलीब पर से लिखा कि क्या हुआ, भूचाल आया, तूफान था, बिजली गरज रही है, कब्रें और वो लोग जिंदा हुए। मैं इसलिए एक बात बता रहा हूं कि आप ये ना समझे कि दूसरी आमद हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उस वक्त खुदावन यीशु मसीह के आने के टाइम ये हुआ, रास्तबाज लोग जो उससे पहले थे वो उठ खड़े हुए, और जिस दिन खुदावन यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हुए वो आसमान पर उठा लिए गए और लोगों ने देखा। ये जिंदा मिसाल है कि जब खुदावन यीशु मसीह आएगा वो जिंदगी देने के लिए आया था, अपनी जिंदगी को उसने कुर्बान किया और हमें जिंदगी बख्शी। कौन थे वो लोग, बहुत पुराने अंबिया होंगे, रास्तबाज लोग होंगे, कुछ के नाम हम जानते हैं, कुछ कुछ हम नहीं जानते, लेकिन उससे बेशतर हनोक जिंदा आसमान पर उठाया गया, एलिया आसमान पर जिंदा गया। ये ना सोचें कि सिर्फ आसमान पर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, वहां पर अभी दुनिया के लोग भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग है वहां पर, एलिया वहां है, हनुक वहां है, मूसा भी वहां है, मूसा को बाद में उठा लिया गया, इसलिए उसको किसी को बताया नहीं कि उसकी कब्र कहाँ है और कहाँ होगा।
और कितने लोग वहां पर मारे गए हैं। इसका मतलब है कि ये मनादी हर सच और बरहक थी। अगर वो उस वक्त लोगों को जिंदा करके ले जा सकता है तो जब आएगा तो फिर क्या करेगा? फिर लिखा है कि फिर क्या होगा, हर एक काम उसे देखेगी, कब्रें तिड़क जाएंगी फिर एक बार। और जो जो आगे क्या है उन्हें बोले, और जो मसीह में सोए हुए हैं वो क्या करेंगे? जी उठेंगे। They will be raised. तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम क्या करना, खुदा पर ईमान रखना। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, वो बना के आया सी, वो जो लोग गए ये मकान मजबूत है, अभी वो आपको ऊपर लेने के लिए नहीं आ रहा, वो आसमान की बादशाही नीचे लेके आएगा। इसलिए उसने कहा यहां पर पत्थर बाकी ना रहेगा, नेस्तो नबूद हर चीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो भी यीशु ने मिलने में गया था, पांच थोड़ा अकलमंद थे, कलाम सुनती होंगी, दुआ अच्छी करती होंगी, खुदा के नजदीक थी, और उनकी मिसालों में तेल खत्म नहीं, बाकी सब थोड़ा जा तेल पोया होगा, खैर उसे नेड़े को हड्डी होगी, फिर पोआ लो फिनिश। और वो भागी उस वक्त, जब खुदा उनकी समस्या आएगा ना उस वक्त कोई टाइम नहीं है। और जब वो वापस आए तो क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया था। आज की इस दौर में मैं आपको सिर्फ वार्निंग ये दे रहा हूं, आग उसके हाथ में होगी तो बर्न एवरीथिंग, हर चीज को जला कर रख कर देगी, कोई लिहाज नहीं होगा, नो डिस्काउंट। कलाम में है नहीं कोई डिस्काउंट, खादम हो, एल्डर्स हो, कलीसिया है किसी के लिए, कोई रहा हो, मैं तो जी उठे 20 साल आ जड़े, 20 साल आ जड़े कि सारे शादी करने का, मैं जो बाजा बड़ा अच्छा बजाया सी जी चर्च में, मैं 4-5 साल हो गए तो बाजे भी जाता रहे, मैं तो कम नहीं हो सकता, खुदा उन मेरी लोग रियायत कर दे। मैं अच्छा तबला बजा लेता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, देर इज नो डिस्काउंट इन दैट टाइम। आग उसकी तरफ होगी और वो हर चीज को क्या करेगी, भस्म करके कर देगी, यहां कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। जो टाइम नहीं है हमारे पास, आज भी हमारे पास कुवत ही नहीं है। वो तुमको किससे बपतिस्मा देगा? कुवत देगा। आप कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा का रूह आप में नहीं है। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का ही नहीं है। ना अच्छे खादम बन सकते, ना अच्छे प्रस्तार, ना अच्छे मुबशर, ना अच्छे एल्डर, कोई भी काम है जब तक आपके पास पावर नहीं है। बताना ये तेल ही कोनी, बत्तियां साफ करके पोछ पाछ के रखना है, हमने अपनी हालत को अंदर से ना बदलेंगे, हमारी जिंदगियों में पाक रू नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास वो कुवत ही नहीं है खुदाम को पेश करने की और समझने की और समझाने की। अपनी कुवत से आप नहीं कर सकते, यू हैव नो पावर टू डू दैट। इसलिए हम सबको बहुत जरूरी है, यर्मिया 23:5 पढ़े आखिर में, उन चरवाहों पर अफसोस खुदावन फरमाता है, उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को हलाक पर गंदा करते हैं, इसलिए खुदावन इसराइल का खुदा उन चरवाहों की मुखालफत में जो मेरे लोगों की चुपानी करते हैं यूं फरमाता है कि तुमने
मेरे गल्ला को परगिंदा किया और उनको रोक कर निकाल दिया और निगाहबानी नहीं की। देखो मैं तुम्हारे कामों की बुराई तुम पर लाऊंगा, खुदावन फरमाता है, और मैं उनको जो मेरे गल्ला से बच रहे हैं तमाम मुल्क से जहाँ जहाँ मैंने उनको हाँक दिया था जमा कर लूंगा। उन चरवाहों पर अफसोस जो मेरी भेड़ों को क्या करते हैं, गद्दा करते हैं। मेरे गद्दा को आपके हाथ में दिए, ये खादमों के लिए है। आपने उनको बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं है। वर्क ऑफ दिस होली स्पिरिट, खुदा का रूह जब आप में नहीं है तो ना छोए इसको। जब खुदा का रूह आपको गाइड नहीं करता तो ना आए इस तरह। आप अपने आप को तैयार करें कि मेरी मिसाल में तेल मौजूद है, जलता है या नहीं जल रहा। तुम दुनिया के नूर हो, नूर के वे होता है बगैर तेल के। Holy Spirit will make you shine. खुदा का रूह आपको जिंदा करेगा, खुदा का रूह आपको रोशन करेगा। जब तक वो नहीं है आप कुछ नहीं है। मांगे खुदा से, तौबा करें। इसलिए उसने कहा मेरे बाद जो आता है वो क्या करेगा तुमको, क्योंकि वो जानता था जान जो तो मैं बपतिस्मा दे रहा हूं और उसके कौन और फर्क लोग पाएंगे चले जाएंगे फिर बस। लेकिन जो रूल कुदस पाता है वो खुदा पर गजीता है। रूल कुदस के बगैर आप कुछ भी नहीं। ठनठनाते पीटर और ठनठनाती बजाओ जना मर्जी बजाओ। आपकी कलाम में, आपकी इबादत में, आपकी कलीसिया में जब खुदा का रूह नहीं काम कर रहा तो फिर अपने आप को जांचें क्यों कमजोरी है, कहां कमजोरी है, क्यों हम ऐसे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है यहां पर अपने अपने ग्रुप में बस तैयार कोई किसी को कुछ नहीं। ये मोहब्बत खादम होते हुए मुझे याद है उस वक्त पहले शुरू में कलीसिया दरियाज कलीसिया होती थी। अपने पास बना हर फ्राइडे को कॉल था मिली एक दूसरे को इकट्ठे होते कौन पहला ग्रुप देवला ग्रुप अदा ग्रुप देवला ठनठनाते पीटर झनझनाती जाने से प्रोग्राम इकट्ठा कर लेने अजी कल ओहदे भी रौले पै जाते सानू दो गीत देने जे एक दुआ देने जे नहीं देनी ते सानू आउणा। What is this? The ministry of Jesus Christ? ये खुदा का रूह काम कर रहा है। दावे आप बड़े बड़े करते हैं, कोशिश करें आगे बढ़े। उस्मान की बादशाही नजदीक है। He is coming back again very soon. मुंचाल आ रहे हैं, जंगे हो रही हैं, वहां सुन रहे हो कि देख रहे हो, देखते हैं। कोई बासी पेशन कोई है जो अभी तक पूरी नहीं बताए मुझे। खुदा यीशु मसीह ने कहा आज वो एक दफ़ा पूरा हो रहा है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। किन को कहा शागिर्दों को, वो भी डावा डोल रहे हैं। पतरस तो उसी टाइम पे मुकर गया नाल से 3.5-3 साल ना खुदा उसी के साथ रहने के बावजूद। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर मेरे बाप के घर में बहुत से मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा श्योरिटी देके, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ। He is coming back very soon. लेकिन याद रखें जब तक आप जिंदगी के अंदर अपने तेल ही नहीं है मिसाल तो दरवाजा और पता बाहर क्या होगा फिर आग और गंदा भून देगा, पटक देगा आपको। चार्ज का जिक्र इसलिए किया गया पटक के ना।
ऐसा पटकेगा आपको कि आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हो दुनिया को वो साफ करेगा, यही दुनिया फिर से नया शेर शलम यहाँ पर करेगा, और खुदा उसका बादशाह होगा, और खुदा हमारा खुदा होगा, और हम उसके लोग होंगे। अब वक्त इस पर जा रहा है, किसी बादशाह ने, किसी अमरीका ने, कोई सुपर पावर, नथिंग, ओनली देयर इज वन गॉड, सबसे सुपर नहीं बल्कि सुप्रीम पावर है। अजीजों, उन वायदों को याद रखें, मुतवज्जा हूँ खुदा के कलाम की तरफ, और खुदा हमारा मौजूद है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।